अलावा बांधने से ये रोग हमेशा दूर ही रहते हैं। एक, शरीर के ज़्यादातर अंगों तक पहुँचने वाली नसें कलाई से होकर गुजरती हैं। कलाई पर मौली या कलावा बांधने से इन नसों की क्रिया नियंत्रित रहती है। इससे त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ की बीमारी नहीं होती है। दो, माना जाता है कि कलावा बांधने से ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज और लकवा जैसे गंभीर रोगों से काफ़ी हद तक बचाव होता है। तीन, शास्त्रों में बताया गया है कि नियम के अनुसार कलावा कलाई पर सिर्फ 3 बार लपेटा जाता है। ऐसा करने से त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का तीनों का आशीर्वाद मिलता है। चार, शास्त्रों के अनुसार कलाई में लाल रंग का कलावा पहनने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है। दरअसल ज्योतिष में मंगल ग्रह का शुभ रंग लाल है। वहीं यदि व्यक्ति पीले रंग का कलावा बांधता है तो इससे उनकी कुंडली में गुरु बृहस्पति मजबूत होता है, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में सुख संपन्नता आती है। पाँच, कुछ लोग कलाई में काले रंग का धागा भी बांधते हैं, जो शनि ग्रह के लिए शुभ होता है। छः, कलावा किसी भी पुरुष को अपने दाहिने हाथ में बांधना चाहिए और महिलाओं को इसी बाएं हाथ में बांधना चाहिए। कलावा 40 दिनों तक पहने और इसे समय समय पर बदलते रहें। 7, हिंदू धर्म में कलावा पहनने और उतारने के लिए शुभ दिन निर्धारित किए गए हैं। कलावा को हमेशा मंगलवार या शनिवार के दिन ही बदलना चाहिए। कलावा बांधने के कुछ जरूरी नियम। एक, कलावा बांधवाते समय व्यक्ति को अपने सिर पर रुमाल रख लेना चाहिए और यदि रुमाल या कोई अन्य कपड़ा ना उपलब्ध हो तो व्यक्ति को अपना एक हाथ सिर के ऊपर रख लेना चाहिए। दो, कलावा बांधवाते समय व्यक्ति की मुट्ठी बंधी होनी चाहिए और यदि संभव हो तो उस बंद मुट्ठी में कुछ धन रख लेना चाहिए। 3, घर में किसी की मृत्यु के बाद या फिर कलावा के अपवित्र हो जाने या गल जाने के बाद उसे बदल लेना चाहिए। दोस्तों, हमें अपना प्यार देने के लिए कृपया चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।